पांच ऐसे प्लांट जो आप कम्प्लीटली वाटर में ग्रो कर सकते हैं। इन्हें आप इंडोर रख सकते हैं और ये घर के एयर को प्यूरिफाई करते हैं। सबसे पहले हम स्नेक प्लांट से शुरू करेंगे। कटिंग के बॉटम से ट्रायंगुलर शेप में कट करना है ताकि रूट अच्छे से ग्रो कर सके। हमेशा कटर को सैनिटाइज करके प्लांट की कटिंग करें। ये मॉन्स्टेरा प्लांट की वेराइटी है। कटिंग को नोड के नीचे से कट करें। नेक्स्ट वंडरिंग जियो। कटिंग में हमेशा 2 से 3 लीव्स होने चाहिए। जेड प्लांट की कटिंग के लिए एक हेल्दी स्टेम सिलेक्ट करनी है। अभी मेरी सारी कटिंग्स रेडी है। यहाँ पर मैंने नॉर्मल टैप वाटर जो हम घर में यूज करते हैं वही यूज किया है। कटिंग लगाते वक्त नीचे से पत्तियाँ हटा लेनी है। मैंने एक स्टिक यूज की है ताकि कटिंग ज्यादा पानी में ना जाए। पोथोस या मनी प्लांट, जिसे मैंने इस तरह से नॉड से कट किया है, 4 से 5 कटिंग को इस तरह से एक साथ टाई करना है। इसके लिए मैंने रबर बैंड का यूज किया। इस तरह से मैंने सारे प्लांट को पानी में ग्रो होने रख दिया था। इसकी लोकेशन की बात करें तो इन्हें ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है, बस डायरेक्ट धूप ना लगे। एक वीक तक इसमें कोई भी रूट्स नहीं आई। इस बीच मैंने 3 से 4 दिन बाद पानी को चेंज किया। नेक्स्ट वीक में थोड़े थोड़े रूट्स निकलने लगे। 2 हफ्ते बाद सभी प्लांट्स में अच्छे रूट्स आ गए। इस बीच पानी थोड़ा गंदा भी हो जाता था तो मैं बस पानी को चेंज करती थी। सबसे जल्दी वंडरिंग जियो में रूट्स आ गए। जेड प्लांट में काफी टाइम लगा। मॉन्स्टेरा में भी जल्दी रूट्स आ गए। मनी प्लांट, इसमें भी जल्दी रूट्स आए। स्नेक प्लांट में भी काफी अच्छे रूट्स आ गए। अभी ये सभी प्लांट सॉइल में लगाने के लिए रेडी है, या फिर ऐसे ही इंडोर पानी में रख सकते हैं। सभी प्लांट घर की एयर को प्यूरिफाई करते हैं। अगर आपकी कटिंग ग्रो नहीं करती, बहुत बार ट्राई किया है, तो एक बार इस कटिंग में हनी लगाकर ट्राई करना। मैंने भी इसे ट्राई किया है। इस तरह से मैं अपने सारे प्लांट कटिंग से ग्रो करती हूँ। आप भी ट्राई करना। हैप्पी गार्डनिंग।